हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अनीश कुमार है और आप देख रहे हैं टिप टॉप टीच। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ जो रिलायंस का जियो 4G कैसे अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। यदि आप कॉलेज में रहते हैं या कोई ऑफिस में काम करते हैं, सपोज डैट वहाँ आपको वाईफाई की सुविधा जियो का मिल रहा, तो आप अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसी का कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो कि आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड जितना चाहें, जब तक चाहें और अच्छे स्पीड में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, पहले जब आप जियो नेट कनेक्ट करते होंगे फ़ोन में या पीसी में, तो आपको वेरिफिकेशन का मैसेज आता होगा कि आप साइन इन कर लीजिए। या तो आपके जियो नेट का आईडी होगा, तब तो कोई बात नहीं, आपकी अच्छी बात है, आपके पास जियो नेट का आईडी है। अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता होगा, जिससे आप वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर मांगता है, जिससे आप उससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन उस नंबर से ये होता है कि आप कुछ लिमिट समय तक ही जियो नेट यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपसे दूसरा नंबर अगेन फिर से वह साइन करने के लिए नंबर मांगेगा। तो आपको जो पहले बार आप नंबर डाले थे वे आप डालेंगे तो वे इनवैलिड लिख देगा, आपको उसको दूसरा नंबर चाहिए। अब जो पहले आप नंबर यूज कर सकते हैं वे आप नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं, सेम डे आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में आज बताऊंगा कि एक नंबर डालिए और कंटिन्यू यूज करते रहिए, वे आपसे दोबारा नहीं मांगेगा। यदि मांग सकता है, शायद कुछ एक्सपायर भी हो जाए तो आप वो टाइम लेगा, कम से कम 7-8 दिन तो आप लिमिटेड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेम नंबर फिर डाल के फिर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर वही नंबर से आप यूज कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जियो सुन रहे हैं कि आप अच्छा ही चल रहा है, अच्छा स्पीड है, मैं भी यूज कर रहा हूँ जियो, तो अच्छी स्पीड है क्योंकि अभी नया है, तो अभी कुछ अभी अच्छा फैसिलिटी ही मिलेगा। तो इसका टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आप जियो कनेक्ट कीजिए। चलिए देखिए, आप मेरा फ़ोन में कनेक्ट हो गया। देखिए, जब आप कोई भी ब्राउज़र खोलते हैं तो उसमें आपको पास दो ऑप्शन आ रहा है, या तो आईडी डालिए या तो फ़ोन नंबर डालिए। चलिए, मेरे पास आईडी तो है नहीं, मैं फ़ोन नंबर से ट्राई कर लेता हूँ। मैंने इंटर कर दिया फ़ोन नंबर, लिखा हुआ आपको कोड 5 मिनट में, विथिन 5 मिनट में पहुंच जाएगा। देखिए, मेरे पास कोड पहुंच गया। आप इस कोड से कुछ लिमिट ही डाटा यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने बता दिया। चलिए, आप कैसे यूज कर सकते हैं लिमिटेड, मैं इसका टिप्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर खोलिए। प्ले स्टोर में आपको जियो का ऐप्स शायद अधिक मिल जाएगा, उसमें से आप सर्च कीजिए जियो नेट। देखिए, येलो कलर का फर्स्ट आ गया मेरे पास, उसे इंस्टॉल कीजिए, कुछ MB का, 4 से 5 MB का। चलिए, इंस्टॉल हो गया, अभी इसे मैं ओपन करता हूँ। चलिए, ओपन हो रहा। अब देखिए, यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो इसका आईडी डालिए
आईडी नंबर हो तो या तो नंबर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मेरे पास तो आईडी है नहीं, तो मैं नंबर से वेरिफिकेशन करता हूँ। चलिए मैं डालता हूँ, देख सकते हैं मेरे पास वेरिफिकेशन नंबर कोड आ गया। अब इंटर डालते हैं, चलिए वेरिफिकेशन हो गया। अब देखिए ऑप्शन वहाँ आ रहा है कनेक्ट करने के लिए। पहले तो फाइंड करेगा कि वहाँ पे जियो का नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है। चलिए देखिए अवेलेबल भी बता रहा, आप सर्च भी कर सकते हैं वहाँ पे, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको कनेक्ट करने के लिए दे रहा है, कि लिख रहा है कि आपको यहाँ जियो अवेलेबल है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए कनेक्ट कर दे, कनेक्ट कर रहे हैं, हो गया। अब ये तो कनेक्ट हो गया, आप उधर सेटिंग में आकर देखिए, राइट हैंड साइड में अपर ऊपर साइड में एक लाइन का एरो एरो का चिन्ह दिया हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ होगा लॉग आउट, अगर लॉग आउट कर कीजिएगा तो वो दोबारा आपसे नंबर मांगेगा, इसलिए लॉग आउट मत कीजिए, उसे रहने दीजिए। अब जियो देखिए आपका स्पीड आने लगा, अब चला सकते हैं। इसी से आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, आपके आपसे वो दोबारा अब नंबर नहीं मांगेगा, एक से वेरिफिकेशन हो गया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये बताएं ताकि वे भी जियो का लिमिटेड डाटा यूज कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और कुछ किसी दूसरे के बारे में फ़ोन उन के बारे में पूछना है तो मेरे कमेंट्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा आपको ये वीडियो जल्द ही लाऊंगा आपको जो रिक्वायरमेंट है। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए थैंक यू।